दोस्तों, यूरोप के उत्तरी हिस्से में सर्दियां बहुत भयानक होती हैं। लगातार बर्फबारी और -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खुद को जिंदा रखना कोई आसान काम नहीं है। खुद को गर्म रखने के लिए प्राचीन समय में यहाँ रहने वाले इंसान घरों में लकड़ियों के जरिए आग का प्रबंध करते थे। एक चिमनी होती थी जिससे सारा धुआं बाहर निकल जाता था। वहीं वर्तमान की बात करें तो घरों को गर्म रखना अब और भी अधिक आसान हो गया है। लगभग पूरे यूरोप में गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जिनसे आसानी से ऊर्जा प्राप्त कर आधुनिक वातानुकूलित मशीनों द्वारा घर को गर्म रखा जाता है। बाहर चाहे जितनी भी सर्दी क्यों ना हो, किंतु घर के अंदर आप मन मुताबिक तापमान सेट कर सकते हैं। सच में आधुनिकता ने इंसानों का जीवन बहुत आसान कर दिया है, लेकिन यह आधुनिकता केवल इंसानों तक ही सीमित है। वक्त के साथ तरक्की केवल हम लोगों ने ही की है, बाकी के जीव करोड़ों वर्षों से इस ठंड को यूं ही झेलते आ रहे हैं। हालांकि प्रकृति ने इन जीवों को ठंड झेलने के अनुकूल बनाया है। शरीर पर मोटी चर्बी और घना फर ठंड से रक्षा करता है, लेकिन जब सर्द हवाएं चलती है और लंबे समय तक ठंड बनी रहती है तो जीव जंतु भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कुछ जीव अपनी गुफाओं में छुपकर शीत निद्रा लेते हैं और जल्दी ठंड बीतने की उम्मीद करते हैं। जहां एक और लंबी ठंड के कारण भूखे और छुपे बैठे जानवर गर्मी की बाँट जो रहे होते हैं, वहीं एक जीव ऐसा भी है जिसे इसी भयानक ठंड का इंतजार रहता है और वो है यूरोपियन गोल्डन ईगल। ठंडी हवाएं चाहे पूर्व से चले चाहे पश्चिम से, ये ताकतवर बाज दोनों ही हवाओं को चीरता हुआ आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। उसी आसमान में जहां तापमान जमीनी इलाके से भी कम होता है। ये देखा गया है कि अधिकतर पक्षी ठंड के समय दूरगामी और कम ठंडे स्थानों पर प्रस्थान करते हैं, लेकिन बाज कभी अपने इलाकों को छोड़कर नहीं जाते। ये जीवन भर अपने जन्म स्थल को नहीं छोड़ते। गोल्डन ईगल ठंड में बड़े खुश रहते हैं क्योंकि इस मौसम में इन्हें बिना मेहनत किए ही भोजन मिलता रहता है। असल में ठंड के प्रकोप के कारण अनेकों जानवर मारे जाते हैं। कई फीट ऊंची बर्फबारी घास को ढक लेती है जिससे खरगोश से लेकर हिरणों की कई प्रजातियां भूख के कारण अपने प्राण त्याग देती है, और यही तो ये बाज चाहता है। ठंड तो इनके लिए मुफ्त की दावत का अवसर होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोल्डन ईगल माहिर शिकारी नहीं है। वास्तव में ये बाज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ शिकारी जीवों में शामिल किया जाता है, लेकिन जब भोजन बिना मेहनत के मुफ्त में ही मिल रहा हो तो भला खाने से किसे परहेज होगा। गोल्डन ईगल एक गैर सामाजिक पक्षी है, मतलब वो एक साथ समूह में नहीं बल्कि अकेले रहना पसंद करते हैं। हालांकि मिलन के लिए नर मादा कुछ महीनों तक साथ रहते हैं और एक साथ ही अंडों एवं चूजों की देखरेख करते हैं। जहां एक और बाकी जीव ठंड से जान बचाने की जुगत में रहते हैं, वहीं गोल्डन ईगल के मिलन का समय भी यही ठंड है। हालांकि ठंडी के समय ही मिलन जरूरी नहीं है, कुछ गोल्डन ईगल ठंड बीतने के पश्चात भी मिलन करना पसंद करते हैं। यहां एक गाय ठंड के कारण मारी गई है और आसपास मौजूद गोल्डन ईगल्स ने अपनी तेज नजरों से इस गाय को देख लिया है। जल्दी ही एक बाज गाय के निकट पहुंच जाता है। ये एक बड़े आकार का बाज है और अब जब तक इसका खुद का पेट नहीं भर जाता, ये दूसरे बाजों को इस गाय के निकट नहीं आने देगा। लेकिन कोई इससे भी तगड़ा आ पहुंचा फिर तो इसे भागना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर बाज ठंड से प्रभावित क्यों नहीं होते। असल में बाजों के पंख बहुत मजबूत होते हैं और इन पंखों पर मौजूद घना फर ही इन्हें उड़ान भरने लायक बनाता है। उड़ान पूरी होते ही ये पंख किसी कंबल की तरह बाज के शरीर पर लिपटकर इसके शरीर को ठंड से बचाए रखते हैं। बाजों के पैरों पर भी घना फर होता है जो इनके पंजों तक फैला होता है ताकि इनके पैर भी ठंड की मार से बचे रहें। साथ ही मांस का अधिक सेवन भी बाजों के शरीर को गर्म एवं ऊर्जावान रखता है। फल खाने वाले पक्षी जैसे तोते आदि इतनी ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। ठंडी के समय गोल्डन ईगल अपनी उड़ानें कम कर देता है जिससे अपने शरीर में अधिक ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। और देखा जाए तो अधिक ठंड के दौरान इन बाजों को ज्यादा उड़ान भरने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि ठंड से मारे जानवरों के अनेकों शव बाजों को आसपास ही मिल जाते हैं। लेकिन यह आरामदायक जीवन हमेशा नहीं रहने वाला। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड बीतने लगती है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो हरी घास वापिस से दिखाई देने लगती है। हालांकि ज्यादातर हरियाली ठंड की वजह से खराब हो गई है, किंतु महीनों बर्फ में दबे रहने के बावजूद भी घास और झाड़ियों की कुछ किस्में खराब नहीं होती। हिरण जैसे जानवर इस घास को खाने की जल्दबाजी में है क्योंकि ये भूखे और कमजोर है। इन्हें अपनी ओर बढ़ती उस मौत को टालना है जो मौत इनके कमजोर होते शरीर की वजह से आने वाली थी। अब गोल्डन ईगल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि अब मुफ्त का भोजन नहीं मिलने वाला। ऐसे में ये बाज अपने इलाके में मौजूद ऊंचे पर्वतों की ओर रुख करते हैं। इन्हें न सिर्फ वहां भोजन मिल सकेगा बल्कि अंडे देने के लिए इनके घोंसले भी वही मौजूद है। दूसरे पक्षियों की तरह बाज हर वर्ष नया घोंसला नहीं बनाते बल्कि अपने पुराने घोंसलों को ही दुरुस्त करके उनमें अंडे देते हैं। अंडों से नन्हे बाजों के बाहर निकलने पर एक बाज के भोजन की जरूरतें और भी अधिक बढ़ जाती हैं। और अब सर्दियां बीत चुकी हैं, अब इस बाज को भोजन किस्मत से नहीं बल्कि अपनी ताकत से ही मिल पाएगा। पहाड़ी बकरी गोल्डन ईगल के लिए एक अच्छा शिकार है, लेकिन एक वयस्क बकरी का औसतन वजन 40 से 60 किलोग्राम हो जाता है। वहीं यूरोपियन गोल्डन ईगल करीब 5 से 7 किलो ही भारी होते हैं। अब
खुद से 10 गुना भारी जानवर का शिकार भला कैसे किया जाए, ये किसी अकेले शेर के लिए हिप्पोपोटमस का शिकार किए जाने जैसा मुश्किल काम है। किंतु गोल्डन ईगल को धरती का सबसे माहिर शिकारी यूं ही नहीं माना जाता। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति लिए ये बाज पहाड़ी किनारों पर खड़ी बकरियों पर जा गिरता है। गति इतनी तेज थी कि बकरी द्वारा संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। नतीजन हवा में लहराती बकरी पहाड़ों से नीचे गिरने लगती है। इतनी ऊंचाई से गिरकर यह जिंदा नहीं बच पाएगी। बाज के शिकार की तकनीक इतनी अचूक है कि एक बकरी तो छोड़िए, इन पहाड़ों पर यदि शेर भी खड़ा हो तो ये बाज उसका भी शिकार कर लेता। वहीं यदि बकरी छोटी हुई तो खुद के वजन से अधिक वजन उठाकर उड़ सकने वाला ये बाज उस बकरी को अपने पंजों में ही दबोचकर घोंसले में ले जाता। वैसे गोल्डन ईगल हर बार इतने बड़े शिकार को नहीं मारते। ज्यादातर मौकों पर इनका काम चूहों और गिलहरियों जैसे छोटे शिकारों से ही चल जाता है। एक गोल्डन ईगल की नजरें कमाल की तेज होती हैं। ये इंसानों के मुकाबले कहीं अधिक रंगों को देख सकते हैं, जिस कारण इन्हें छोटे से छोटे शिकार को खोज लेने में आसानी होती है। हालांकि बाजों की आंखें दाएं और बाएं बेहद ही कम हिल पाती हैं, किंतु ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ये माँ बाज अपनी तेज नजरों के दम पर खोज करके इस छोटे शिकार को अपने घोंसले में ले आई है। किंतु बच्चों के लिए अभी भी ये शिकार बहुत बड़ा है, इसलिए माँ शिकार को छोटे टुकड़ों में काटकर अपने बच्चों को खिला रही है। यहाँ ये घोंसला अधिक बड़ा नहीं है, किंतु गोल्डन ईगल बहुत बड़े घोंसले बनाते हैं और हर साल इन घोंसलों के आकार में वृद्धि करते हैं। इन्हें आसानी से 6 फीट लंबे घोंसलों में निवास करते हुए देखा गया है, यानी ये बाज एक इंसान के रहने लायक जितने बड़े घोंसले बना लेते हैं। दोस्तों, बाज के बच्चों को इगलेट कहा जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि बाज अपने बच्चों को दूर आसमान में लेकर छोड़ देते हैं और नीचे गिरता हुआ इगलेट खुद को बचाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। इस खतरनाक तरीके से ही बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, किंतु ये सच्चाई नहीं है। इगलेट भी ठीक वैसे ही उड़ना सीखते हैं जैसे दूसरे पक्षियों के बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले ये घोंसलों में ही अपने पंखों को लहराकर संतुलन बनाने का अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे एक टहनी से दूसरी टहनी पर यानी छोटी उड़ानों द्वारा उड़ना सीखते हैं। जब इगलेट अपने घोंसलों को छोड़कर लंबी उड़ान भरने लगते हैं तो उसके बाद इन्हें इगलेट नहीं बल्कि ईगल ही कहा जाता है। लेकिन ये कार्य अचानक से नहीं होता। घोंसलों को छोड़ चुके बाज भी महीने भर तक वापिस अपने घोंसलों में समय समय पर लौटते रहते हैं और अपनी माँ की चोंच से भोजन प्राप्त भी करते रहते हैं। ये ममतामयी साथ भला क्षण में कैसे छूट सकता है। लेकिन एक दिन जब ये बच्चे खुद से शिकार करना शुरू कर देंगे तो वापिस लौटकर घोंसलों में नहीं आएंगे। इनकी माँ कुछ दिन इंतजार करेगी और फिर समझ जाएगी कि अब उसके चूजे बड़े हो गए हैं और अब ये माँ एक बार फिर से निचले स्थानों की ओर प्रस्थान शुरू करेगी, क्योंकि ठंड वापिस लौट रही है। अब फिर से दावत उड़ाने का और नए मिलन का समय आ गया है। ये पक्षी भी बाकी सभी जीवों की तरह यूं ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को मापकर आसमान के राजा कहलाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।